नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी और ट्राइब टीवी के इस खास कार्यक्रम द सोरेन शो में आपका स्वागत है। 2019 दिसंबर 2019 में झारखंड विधानसभा में बीजेपी से 25 विधायक जीत करके आए थे, कांग्रेस से 16 विधायक जीत करके आए थे। लेकिन जीत के बाद विधानसभा पहुंचते पहुंचते वह समीकरण, वह आंकड़े बदल गए। बीजेपी में 26 विधायक हो गए और कांग्रेस में 18। झारखंड विकास मोर्चा जिसमें 3 विधायक जीत कर आए थे, वह पार्टी ही विलीन हो गई, गौन हो गई, खत्म हो गई। आज उसी पार्टी के विधायक और अब कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में, कद्दावर नेता जब वो पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे या बीजेपी में थे तब भी वो कद्दावर नेता थे, आज कांग्रेस पार्टी में हैं। आज इस खास मुलाकात में, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पुड़ैया हाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। प्रदीप जी, विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी, वैसे अमूनन हर बार हर विधानसभा में देखा गया है कि वह झारखंड विधानसभा में स्पेशली 2005 की बात करें या 2009 की, 14 की या 19 की, हर विधानसभा में चुनाव के बाद जो जनता जीत कर या वोट दे करके जिन्हें चुनकर भेजती है, वह विधानसभा पहुंचते पहुंचते वह समीकरण बदल जाते हैं। झारखंड विकास मोर्चा खत्म हो गई, विलय हो गया उस पार्टी का, आप कांग्रेस में चले गए, बाबूलाल मरांडी बीजेपी में चले गए, आप और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले आए। क्या लगता है कि यह राजनीतिक समीकरण विधानसभा के पहुंचते पहुंचते या विधानसभा के नतीजे तक कैसे बदल जाते हैं, क्यों बदल जाते हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो है कि पार्टियां टूटती है, उनके विधायक दूसरे में छलांग मारते हैं, कुछ लोभ, कुछ लालच, कुछ पद की लोलुपता और कुछ मजबूरियां भी रहती है, दोनों विषय हैं। 2014 में भी ये चीजें आपको देखने को मिला था कि झारखंड विकास मोर्चा के 8 विधायक जीत के आए थे, 6 विधायकों ने छलांग लगाई थी भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें दोनों, जिस पार्टी में छलांग लगाई उस पार्टी की भी इच्छा थी कि भाई वह अस्थिर सरकार ले, बहुमत को अस्थिरता प्रदान करे, उन्होंने भी हाथ पैर मारा, तरह तरह के लोग प्रलोभन जेबीएम के विधायकों पर दिया और उस लोग प्रलोभन में 6 विधायक टूट भी गए, उनके घेरे में आ गया, उनके परिधि में आ गया, उनके लालच में आ गया। और बाद में देखने को भी मिला कि भाई उसमें से आधे विधायकों को उन्होंने मंत्री भी बना दिया। तो एक तो कारण यह था टूटने का, और दूसरा जो इस बार 2019 का दृश्य था कि झारखंड विकास मोर्चा जब से बनी थी वह बीजेपी के विरोध में चल रही थी। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जिस विचार से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, उसी विचार से मेल खाने वाली पार्टी झारखंड विकास मोर्चा भी थी और लगभग सारे वही मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही थी लोकसभा में। यहाँ तक कि एक महागठबंधन बना था जिसका हिस्सा झारखंड विकास मोर्चा भी था। उम्मीद थी कि भाई विधानसभा चुनाव में भी हम हिस्सा बनेंगे, यानी झारखंड विकास मोर्चा इस गठबंधन का हिस्सा बनेगा। सीटों के तालमेल न होने के कारण हिस्सा नहीं बना, एक कारण यह भी था। दूसरा था कि जो झारखंड विकास मोर्चा के नेता थे, मूर्धन्य नेता जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका चुनाव के पहले ही तालमेल भारतीय जनता पार्टी से हो चुका था। यह बात सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने बताया नहीं था, यानी इसको ओपन नहीं उन्होंने किया था, लेकिन क्लोज डोर उनके समझौता हो चुके थे। ये बात आपको पता थी? ये बात धीरे धीरे, सारी बातें सबको पता हो जाता है, कोई बात छिपती नहीं है। राजनीति में लोगों को लगता है कि हम कोई पर्दे के पीछे काम करते हैं तो थोड़े दिन पर्दे के पीछे रहता, फिर कोई ना कोई कारण से पर्दे के बाहर बातें आ जाती है, घटनाक्रम आ जाती है बाहर। तो उसी तरह ये बातें बाहर आई तो शुरुआती दौर में ही हम सब मानसिकता बनाए हुए थे कि भाई अगर चुनाव के पहले नहीं हुआ तो चुनाव के बाद ही सही, गठबंधन के विचार से मिलता जुलता है तो उसी गठबंधन में अपना समर्थन दें। और चुनाव के ठीक बाद बिना शर्त हम सबों ने
या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को अपना समर्थन भी दिया। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि पर्दे के पीछे था, बाबूलाल जी ने उसे सामने लाने का प्रयास किया और अपने नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्होंने दिखाया और वो भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर गए। हम सब टू थर्ड से कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यहाँ तो विकल्प झारखंड मुक्ति मोर्चा था, आरजेडी था या फिर कांग्रेस था। तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम सबों ने अपना विलय कांग्रेस में दिया और कोई ना तो पद के लोलुपता थी ना तो सत्ता में मंत्री पद का कोई चिन्हता था। भाई राजनीति उसी फ्रंट से करते हैं, उसी विचार से करते हैं, समरूपता था विचारों में, इसलिए कांग्रेस में और आज कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आप दो विधायक कांग्रेस में चले आए, बाबूलाल मरांडी उस तरफ चले गए, यानी बीजेपी घर वापसी उसे नाम दिया गया। आपकी भी घर वापसी हो सकती थी, आप भी बीजेपी से अपनी राजनीतिक सफ़र आपने शुरू किया था। ये घर वापसी करना ही था तो फिर घर से निकलने का क्या मतलब था? जिस समय हम सब निकले थे, क्यों निकले थे? उसके कारण यह था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है वो थोड़ा, उस सिद्धांत में थोड़ी संकीर्णता लगी, वो नैरोनेस था, संकीर्णता यानी सबको लेके चलने वाली वो पार्टी मेरी समझ में या बाबूलाल जी की समझ में भी उस समय नहीं था। अगर 2005-06 से आप देखें 2019 तक के उनके वक्तव्य, उनके विचार, उनके क्रियाकलाप, तो यहाँ तक कि जो मोदी जी को आज नेता मान बैठे हैं, प्रधानमंत्री मान बैठे हो, उनके विचारों के विरोध में भी वो कहते थे कि नहीं, ये नेहरो मानसिकता है, यह भारत को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है। भारत की सत्ता पर वो बैठ सकते हैं चंद लोगों को उन्मादी बना करके, चंद नारों के आधार पर, सांप्रदायिकता के बू फैला करके। यानी पहाड़ों से नदियां निकलती है, थोड़ी सक्रिय होती है, मैदान तक पहुंचते पहुंचते वो चौड़ी हो जाती है, तो आपकी भी विचारधारा कुछ वैसे ही निकल कर आगे? नहीं, हम सबों ने इसलिए छोड़ा था कि भाई वो विचार मेल नहीं खा रहा है, तो फिर उस विचार में वापस जाने का एक ही वजह हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा पदलोलुपता हो जाए और मेरे जैसे व्यक्ति को वापस जाने का कोई जगह नहीं था वहाँ। अच्छा, बहरहाल अब वो उधर चले गए, वो उधर कंफर्टेबल हैं, आप भी शायद कांग्रेस में कंफर्टेबल ही होंगे, लेकिन विधानसभा के न्यायाधिकरण में यह मामला 2 साल से ज़्यादा खींचा जा रहा है, इस पर आप, आपकी तरफ से भी कोई पहल हो कि या तो आप? देखिए, यह पहल कोई व्यक्ति जिस पार्टी में विलय किया है और हम सैद्धांतिक रूप से विलय कर जाए और वैधानिक रूप से हमें मान्यता ना मिले, तो कहीं ना कहीं तो ये बातें रहती है कि भाई जल्दी हमें वैधानिक रूप से मान्यता मिले। हम सब तो जो न्यायाधिकरण है उनके सामने गुहार बार बार स्वयं या अपने वकील के माध्यम से इस गुहार को लगा ही रहे कि भाई जल्दी इसका निपटारा हो, जल्दी इसके समाधान हो, निर्णय जल्दी पटल पर आए, लेकिन देरी के क्या कारण है ये मुझे पता नहीं। पिछली बार जिन 6 विधायक बीजेपी में चले गए, 2014 की बात कर रहे हैं, वो मामला 5 साल तक चला था, लगता है यह मामला भी वैसा ही कुछ लंबा खिंचाई की तरफ दिखाई दे रहा है। बजट सत्र से पहले बीजेपी के विधायकों ने राजभवन से भी ये गुहार लगाई कि इन मामलों का जल्दी से जल्दी, नेता प्रतिपक्ष का मामला भी चूंकि इस पर अटका हुआ है। देखिए, जिस व्यक्ति का चेहरा दागदार हो वो दूसरे व्यक्ति को आईना नहीं दिखा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पहले से चेहरा दागदार है कि उन्होंने 6 विधायकों को जबरदस्ती लाया, उन्हें मान्यता दे दी और 5 वर्षों के बाद केस का फाइनल निपटारा किया, तो आज उनको कहने का कोई हक नहीं है कि वो जल्दी निपटारा करे, इसलिए उनके बातों का कोई वजन नहीं है। हम जैसे लोग पिछले बार भी लड़ते रहे थे, आज भी अगर लड़ रहे हैं तो हम सब की बातों का वजन है कि वे पिछले बार भी हम कहते थे जल्दी निपटारा करो, आज भी कह रहे हैं जल्दी निपटारा करो। तो कल भी मैं विधानसभा में इस विषय को कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी आज बाबूलाल जी को लेकर के दुहाई दे रही है,
कि नेता प्रतिपक्ष ने बनने नहीं दिया, इनके लिए जो घड़ियाली आंसू बहा रही है भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग बहा रहे हैं, भाई यही 2014 से 19 जो बाबूलाल जी बेचारा रोता रहा और उसे लक्ष्मण झूला पर झुलाता रहा 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर किस मुंह से आज इन बातों को कह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। सच में अगर वो बाबूलाल जी के हितैषी होते, सच में वो न्यायाधिकरण पर दबाव बना पाते, उदाहरण पेश कर पाते, अगर उसका निपटारा वो 6 महीने 1 महीने साल भर में भी कर देते, तो आज न्यायाधिकरण पर यह दबाव बनता कि पिछड़ा जो केस था वो केस 1 साल के अंदर निपटारा हुआ, तो इस केस का क्यों नहीं होगा? आज कहने को उनको जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग बार बार यह अपील कर रहे हैं कि हम 2/3 हैं, हमारा विलय कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, आप निर्णय दें। बाबू लमनाडी जी से बात होती है आपकी? नहीं, बात क्यों नहीं होगी, राजनीति में बात सबसे होती है, लेकिन जो पहले आना जाना था, जो संपर्क था, वो संपर्क तो अब वो दूसरी पार्टी में है, हम तीसरी पार्टी में हैं, तो वो संपर्क तो हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्तिगत कहीं भी मुलाकात होगी, वो सीनियर लीडर है तो नमस्कार पाती तो होगा ही, राज्य के एक अच्छे लीडर माने जाते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, कुछ सवाल और हैं, लेकिन एक वक्त हो चला है ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ चर्चाएं, कुछ नई ताज़ा बातें इस मुलाकात में ज़रूर निकल कर आएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पड़ैया हाट से विधायक प्रदीप यादव जी। प्रदीप जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिन राजनीतिक परिस्थितियों की, हालात की बात कर रहे थे, वो उन राजनीतिक परिस्थितियों में यह भी कहा जाता है कि बाबूलाल मरांडी का मामला यानी नेता प्रतिपक्ष का मामला अटका पड़ा है, तो इधर आप लोगों के मामले भी अटके हुए हैं। अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहे हैं तो शायद आप भी मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, आप या बंधु तिर्की। नहीं, हमें नहीं लगता कि उसको जोड़ के देखना चाहिए, इसको इतना ही देखना चाहिए कि भाई न्यायाधिकरण को देर नहीं करना चाहिए। देर करने के कारण ही तरह तरह की बातें, तरह तरह का संशय, तरह तरह की शंकाएं, जिसके एक पार्ट जो आपने अभी कहा एक भाग वह भी है, और कई तरह की शंकाएं, क्योंकि जस्टिस में देर, डिले जस्टिस, वह अनजस्टिस भी होता है, ये जो कहा जाता है। तो जस्टिस में जल्दी न्याय मिलना चाहिए, और हम उसके पक्षधर हैं, और आपके इस चैनल के माध्यम से भी, ट्राइब चैनल के माध्यम से भी मैं न्यायाधिकरण से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जल्दी न्याय दें, और जो सच है वो सामने लाएं। हम तो अपनी बात ही कह सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस नए सिरे से कमर कस रही है, हालांकि कांग्रेस के पास ये भी कई मौका रहा और कई नेता पार्टी छोड़ करके बह गए, उसमें सबसे बड़े चेहरे के रूप में पार्टी के प्रभारी आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ कर चले गए, गीता श्री उराव पार्टी छोड़ दी, हालांकि कई नेता शामिल भी हुए, प्रदीप बालमुचू, फिर उनकी भी घर वापसी हुई, सुखदेव भगत की भी घर वापसी हुई, बड़ा 3 दिनों का मंथन भी चला, चिंतन शिविर चला। क्या लग रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से नए सिरे से खड़े होने की कोशिश कर रही है, और क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? देखिए, यह तो तय है कि देश करवट लेना चाहता है, देश के लोग जो पिछले 7-8 वर्षों से सत्तासीन जो दल है भारतीय जनता पार्टी, उनके गठबंधन, उनके कामों से खुश नहीं है, लेकिन चुनाव के समय इस प्रकार का वो वातावरण बनाते हैं, उन्हें कुछ फायदे हो जाते हैं, जिन कारण कुछ कुछ जगहों पर वो वापसी भी उनकी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे चीजों को लोग समझने लगा है। लेकिन उसके विकल्प में अगर कोई पूरे देश में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है,
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता ने केवल झारखंड में नहीं पूरे देश में एक बार मन बनाया है कि सच में हम एक मजबूत पार्टी के रूप में, विकल्प के रूप में, क्योंकि पुरानी साख तो कांग्रेस की रही ही है, 70 वर्षों तक शासन किए इस देश में और अच्छे अच्छे लीडर भी हैं जगह जगह आप देखें तो अगर संगठनात्मक ढांचे को ठीक ठाक करके मजबूत पार्टी के रूप में जनता के सामने पेश करें तो हम इस देश को एक विकल्प दे सकते हैं फिर से एक बार। और हमें लगता है कि उसी दिशा में यह बढ़ता हुआ कदम है कि जिन प्रदेशों में थोड़ी अधिक ऊर्जा दिखती है कि नहीं यहाँ से हम ऊर्जान्वित कर सकते हैं कांग्रेस को, उसमें से झारखंड भी एक प्रदेश है, इसलिए पार्टी ने थोड़ी जोर लगाई है कि जो हमारे बिखरे लोग हैं उन्हें समेटें, जो हमारे ग्रास रूट के केडर हैं उन्हें समेटें, और जो पुराने लोग निष्क्रिय हो गए हैं, थोड़े खाली पद है, नए लोगों को चांसेस दें, जो लोग नए लोग आए तो अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति लगा करके पार्टी को और मजबूत और बेहतर बना सके। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रवेश नहीं हुआ है उन क्षेत्रों में भी कांग्रेस प्रवेश करे, और उसी का एक हिस्सा चिंतन शिविर भी था। एक नए सिरे से इसे खड़ा करने की कोशिश हो रही है लेकिन पुराना सिरा ढह भी रहा है। गीता श्री उरांव का जाना, जो जिनके पिता भी कांग्रेस से सांसद थे, उनकी माता भी कांग्रेस से सांसद थी, और ऐसे शख्सियत का पार्टी से निकल जाना, ये नहीं लगता कि कुछ नया बनाने के फिराक में हम कुछ पुराना खोते जा रहे हैं? नहीं, पुराना कुछ खोते जाने रही है तो सारी पार्टियों को अगर देखें आप, जितनी पार्टियां हैं आना जाना लगा रहता है। मैं गीताश्री उरांव के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आम तौर पर अगर आप देखें तो पार्टियों में इस प्रकार से नेताओं का आना, एक दो लोगों का जाना, ये क्रम सारी पार्टियों में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, केडर बेस्ड पार्टी कम्युनिस्ट हो, कई कम्युनिस्ट के लोग दूसरे दलों में गए, बंगाल में कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, तो ये सारी चीज़ें चलते रहती है, तो वो बड़ा हिस्सा नहीं है। हिस्सा है कि जो पार्टी का अपना मोटो है, अपना उद्देश्य है, जो अपने सिद्धांत है, उस सिद्धांत के साथ समझौता ना करे। और हमें लगता है कि कांग्रेस इन चीज़ों पर खरा उतर पाई है कि भई हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे, हमारे जो सर्वधर्म संभव है। गीता श्री उरांव का आरोप ही यही था, पार्टी से छोड़कर जाने का मसला ही यही था कि पार्टी आज अपने सिद्धांतों से समझौता कर रही है। बहरहाल उनके जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया, हम उन मुद्दों पर एक अगले सेगमेंट में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चिंतन शिविर की बात करें, सरकार के साथ पार्टी की जिन परिस्थितियों में लगता नहीं कि एक पटरी पर ट्रेन चल रही है। देखिए, जब दो पार्टियों का गठबंधन होता है तो समरूपता रहते हुए भी असमरूपता भी रहता है, समानता रहते हुए भी असमानता रहता है, और इसे आप सामान्य घटना समझ सकते हैं, कोई विशेष घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश स्तर की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय पार्टी है, जितने धारदार तरीके से क्षेत्रीय मुद्दों को झारखंड मुक्ति मोर्चा लेके चलेगी, कांग्रेस चाहकर भी उतने धारदार तरीके से क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि इसका प्रभाव उन्हें देश में ना पड़ जाए, देश के अन्य क्षेत्रों में। यहाँ झारखंडी की बात करेंगे तो पता चला बिहार में हम नहीं जा सकते उस और, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को भी। तो कांग्रेस के जो थोड़े अपने कह सकते हैं कि जो प्रतिबद्धता है जिन चीजों को लेकर के, तो और कभी कभार भाई समझौता रखने के लिए कुछ चीजों पर समझौता करना भी पड़ता है, तो दोनों बातें हैं। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आखिर इस पर क्यों समझौता हो रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए कुछ कुछ घटनाक्रम, कुछ बातें छन करके बाहर, कुछ अंदर, ये थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अगर मिला जुला के सारी चीज़ों को अगर आप देखें
तो आपको लगेगा कि कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन मोटे तौर पर मजबूती से ही आगे बढ़ रही है और राज्य हित में बेहतर काम कर रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी ने बना दी, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आपकी पार्टी या बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक कोई बैठक नहीं की, या उसके मैंने लगता है थोड़ी देर हुई है इन चीज़ों पर। ये चीज़ें पहले होने को चाहिए था। अगर मेरी व्यक्तिगत राय लें तो मैं तो उस समय पार्टी में कोई प्रभावी रोल में नहीं था और आज भी बहुत प्रभावी रोल में नहीं हूँ। एक विधायक के नाते मैं अपनी बात को पार्टी को कहता हूँ, उसी का एक हिस्सा मात्र हूँ छोटा सा। अगर मेरी राय में अगर आप सुने तो ये चीज़ें कोऑर्डिनेशन कमेटी, फिर समन्वय समिति सरकार के साथ या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें पहले करनी चाहिए थी, जो देर हुई है। लेकिन अब लगता है कि ये सारी चीज़ें हो जाएगा और थोड़ी बहुत जो आपस का डिफरेंसेस है, जो थोड़ा बहुत है, वो भी समाप्त हो जाएगा। आरपीएन सिंह अब चूंकि पार्टी में नहीं है, लेकिन जब उनकी पिछले मुलाकात में, उनके पिछले बातचीत में उन्होंने मीडिया से कहा था कि अगर कांग्रेस 5 साल में अपने वादे पूरे नहीं कर पाई तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। अब तो हालांकि वो है नहीं, लेकिन क्या लगता है कि इन 5 सालों के वक्त में कांग्रेस सरकार की, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने एजेंडे या अपने घोषणा पत्र है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को के टारगेट को अचीव कर पाएगी जिस रफ्तार से काम हो रहे हैं, जिस रफ्तार से बातें हो रही है? नहीं, आप देखें तो दोनों के एजेंडे थे, कुछ कुछ एजेंडे तो कॉमन है दोनों का। अब जैसे कृषि लोन की माफी है, ये हमारे प्रायोरिटी में था, सरकार ने मिलकर के उसे पूरा किया है। फिर और कई एजेंडे हैं जिन एजेंडों को लागू करना है, जैसे 27% आरक्षण, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एजेंडा है पिछड़ों के लिए। मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार घोषणा की, अभी उनके केंद्रीय सम्मेलन हुए थे नेताओं के झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वहाँ भी इस विषय को दोहराया गया, संकल्प को दोहराया गया है। चिंतन शिविर में भी यह मुद्दा सबसे ऊपर था, तो हमें लगता है कि उसको भी मूर्त रूप देगा। तो एक बड़ा पाठ यह भी है, पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रायोरिटी में भी था, कांग्रेस के भी प्रायोरिटी में था, उसका भी समाधान हुआ है। तो 7% कोई दल या कोई गठबंधन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता। जनता देखती है कि भाई आपने कितना पूरा किया, उसी अनुसार अंक देती है। अगर 60% किया तो 60 अंक देगी जनता, तब फर्स्ट डिवीजन हो गए आप। फर्स्ट डिवीजन हो गए तो फिर दोहरा के आप उस आगे की क्लास जा सकते हैं। तो फिर हमें लगता है कि जो रफ्तार है, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से अधिकांश वादों को दोनों गठबंधन पूरा कर पाएगी। अब कुछ चीजें मजबूरियां भी हो जाती है कुछ चीजों की, और कुछ चीजें नौकरी की बात छूट गई है। खैर, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद हम नौकरियों पर आएंगे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी वादे थे, आपके भी वादे थे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं प्रदीप यादव, कांग्रेस के विधायक हैं, पड़ियाहाट संथाल परगना से जीत करके आते हैं, और सबसे बड़ी इनकी यूएसपी यही रही है कि सदन में बड़े मुखर होकर बोलते हैं। सदन में जब ये रहते हैं तो कई पुराने कद्दावर नेताओं की छवि इनमें नज़र आती है, और उन्होंने अपनी भी एक नई इमेज बनाई है, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, इनकी भूमिका हमेशा जनता के साथ ही होती है, जनता की आवाज़ ही बनने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, नौकरियों को लेकर के कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में बड़ा बढ़ चढ़ करके जिक्र किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया था, कितने लाख का किया था मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा, बात नौकरियों की है। नौकरी के संबंध में कुछ मजबूरियाँ यह भी रही कि चलिए लॉकडाउन के बुरे दौर से हम गुजरे, लेकिन नीतियों के मामले में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए, नौकरी के ख्याल से अगर आप देखें, आज भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को मुद्दा बनाना चाहती है,
इसलिए एक वातावरण बना कि नौकरी नहीं मिली। नौकरियां तो मिली है, बहालियां भी हुई है। अब ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में बहालियां हुई है, लेकिन बहालियां हुई है। और अब यह जो दौर आ रहा है, बहालियों का दौर ही आने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी को कोई कहने का हक नहीं है। जिसने बिना कोई मुद्दा, अपने जन मुद्दों को बिल्कुल, जिसके नेता यह कह दे कि 2 करोड़ नौकरी हमने वोट के समय कहा था, वो एक जुमला था, अब वो दूसरी पार्टी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी हम उनकी बात को दरकिनार करते हुए अपनी बात ये कहना चाहेंगे, इस गठबंधन ने नौकरियों को भी तवज्जो देने का प्रयास किया है, लेकिन जो पिछली सरकारों ने इस प्रकार से उलझन पैदा कर दिया, ना समझी में कहे या जल्दीबाजी में चीजों को समेटने में, कि कहीं कोई आंदोलन हुआ, अब उस आंदोलन को तुरंत समाप्त करने के लिए बिना कि भाई किन कारणों से हुआ, उसके अस्थाई निदान क्या है, अस्थाई निदान न करके अस्थाई निदान करने का प्रयास किया, जिस कारण से कई उलझने पैदा हुई। इसको उदाहरण के स्वरूप में देख सकते हैं कि बुखार व्यक्ति को कई कारणों से आता है, लेकिन सीधे आप बुखार दबाने के लिए पैरासीटामोल दे दें तो कोई भी बुखार हो तुरंत तो दब जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको जॉन्डिस की बीमारी हो, उस कारण से भी बुखार आ सकता है, मलेरिया के कारण आ सकता है, फलेरिया के कारण आ सकता है, कोरोना के कारण। तो पहले आपको टेस्ट कराना होगा, जांच करानी होगी, तब आप बुखार का दबा दें तो वो अस्थाई समाधान होगा। तो पिछली सरकारों ने अस्थाई समाधान के लिए सारी चीजें कर डाली, जिस कारण कई उलझने पैदा हो गई, जैसे जेपीएससी जैसी चीजें मामले लटक गए, जीएससी की कई नियुक्ति नियमावली को उलझा के उन्होंने रख दिया, 11 जिले 13 जिले। तो एक तो उसको सुलझाने में इस सरकार को थोड़ा वक्त लग रहा है, जिस कारण बहालियां रुकी हुई है। फिर कोरोना के काल में पूरी दुनिया चरमराई हुई थी, उस कारण से भी हमें लगता है कि अब वह बहालियों का दौर भी प्रारंभ हो रहा है, और आने वाला साल जो बचे हुए हैं, आने वाले साल हमें लगता है कि यहाँ के नौजवानों के लिए बेहतर साल साबित होगा। नौकरियों स्थानीय नीति को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल इस बजट सत्र में उठ रहे हैं, स्थानीय नीति या नियुक्ति या रोजगार नीति कह सकते हैं। इन सब नीतियों के लिए सरकार का अब तक कोई डेडलाइन नहीं आया है कि हम इतने दिनों में, सरकार के जवाब में भी ये कहा गया कि वो जल्द करेंगे, शीघ्र करेंगे। कई सवाल उठे लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 1932 का होगा कि नहीं, इस पर भी आशंका है। देखिए, पिछली बार जब बहालियां हो रही थी पिछली सरकार में, तो इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बना था कि बहालियां तो हो रही है लेकिन उसका लाभ इस राज्य के लोगों को नहीं मिल रहा है। 80-90% लोग बाहर के आ जाते थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, उड़ीसा के, जिन प्रदेशों का नाम लिया, भाई उनकी नीतियों में खामी थी। तो इस सरकार ने सोचा कि बहाली भी जल्दी प्रारंभ करें और कुछ ऐसी नीति को एडॉप्ट करें जिसके तहत यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले। तो तत्काल जो स्थानीय नीति जिसको एडॉप्ट की है इस सरकार ने, कि भाई मैट्रिक पास, इंटर पास, वो यहाँ से होना चाहिए। उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि जो यहाँ के लोग हैं वही यहाँ पढ़ेंगे, अधिकांश लोग 99.9%, 99% कह सकते कि 9% यहीं के लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा उन्होंने कि भाषा को भी लिया है और इन चीजों में कहा कि भाई आरक्षण की कोटे में ये सब नहीं लागू होगा, क्योंकि आरक्षण में तो कोई, अगर बिहार का भी आदिवासी है, ट्रेवल है, तो उन्हें यहाँ आरक्षण का कोटा का लाभ नहीं मिल सकता। पिछड़ा भी आती है तो 50% तो पहले से कवर्ड है, शेष को कवर करने का प्रयास किया है। तो इसलिए उसमें भी एक त्रुटि रह गई कि अगर कोई झारखंडी दूसरे स्टेट से मैट्रिक एंटर करता है, वो जल्दी चीजों में, देखिए किसी कोई चीज अगर आप देखें, अगर उसके ब्राइट है, पक्ष है, तो कुछ ना कुछ उसके धब्बे भी रहते हैं। तो उस कारण कुछ है, हमें लगता है कि सरकार जो कि भाई खतियान की बात आ रही है, तमाम चीजों पर गौर कर रही है, लेकिन बहाली भी आपको प्रारंभ करना है। ऐसा कोई काम ना कर दे कि तुरंत जाकर के कोर्ट उसमें अड़चन लगा दे,
तो कोई बीच का रास्ता तत्काल सरकार ने अपनाया कि ताकि कुछ बहालियां भी हो जाए, अपने लोगों को रोजगार भी मिल जाए और फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को एक अस्थायित्व दे करके, चाहे वो खतियानी रूप दे करके, अन्य चीज़ों का रूप दे करके, त्रिस्तरीय कमेटी उस पर विचार करके फिर नए सिरे से इसको अस्थायित्व दे पाएगी। भाषा विवाद को आप किस रूप से लेते हैं? देखिए, जब बहुभाषी क्षेत्र होगा तो कुछ ना कुछ विवाद आएगा सामने। अब जैसे जिन जिलों में कई भाषाओं के लोग बोले जाते हैं तो जो बहुतायत भाषा है उस भाषा को सरकार ने चिन्हित करके अस्थायित्व तो दे दिया कि भाई इन भाषाओं को लेंगे। तब छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं जो इन भाषाओं को वहाँ बोलते हैं उनका डिमांड्स है। अब उसमें भी जो बहुतायत की संख्या में आएगा जब सरकार के सामने आती है, कहीं ना कहीं माध्यम है, कोई आंदोलन के माध्यम से बातें सामने आती है, विधानसभा के माध्यम से आती है, कुछ उनके ग्रुप सीधे सरकार से मिलकर के अपनी बातों को रखते थे, यही माध्यम है। तो जो छोटे बड़े लोग हैं सरकार उसको भी संज्ञान में लेकर के उस पर विचार करेगी। मतलब भोजपुरी मैथिल पर भी विचार करेगी? अब यह तो कितना बड़ा ग्रुप है, क्या है कि भाई हमें सरकार जो बहुतायत की संख्या क्या है, उसका एक्शन रिएक्शन क्या है, इन तमाम चीज़ों को सरकार देखेगी। और हमें लगता है कि यह जो इसीलिए तो एक समिति बनी है ताकि उसके असेसमेंट कर सके, उनके लाभ हानि को समझ सके, ताकि झारखंडी के हितों की भी रक्षा हो सके और किसी को अनहित भी ना हो, ये तमाम चीज़ें उसमें देखी जाएगी। क्या लगता है कि कोई भी दल हो, सत्ता पक्ष का दल हो या विपक्ष के दल हो, ज़्यादातर राष्ट्रीय पार्टियों में और कुछ एक क्षेत्रीय पार्टियों में भी बाहरी लोगों का वर्चस्व या टॉप की कुर्सियां उनके खाते में है, इसलिए वो ज़्यादा चिंता में सता रही है उन लोगों को? देखिए, हमें नहीं लगता कि जो लोग यहाँ की राजनीति करते हैं। शुरुआती वक्त में आपके पार्टी अध्यक्ष भी इस बात के पक्षधर थे कि भोजपुरी मैथिल अंगिका मगही इन सबको रखा जाए, बाद में पता नहीं बाद में क्या उनके मन में आया, बाद में वो इन सब चीज़ों को पर मौन धारण कर लिए। लेकिन आप इतिहास उदाहरण के रूप में पढ़ा हुआ है कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो दूसरों का ज़्यादा सोचते हैं। विश्वनाथ सिंह ने पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया जब प्रधानमंत्री थे, वो तो अगड़ी जाति से थे, आपके पास उदाहरण पड़ा हुआ है। अगर वो अगड़ी जाति का सोचते तो पिछड़ों का आरक्षण ना मिलता पूरे देश में। वो मंडल कमीशन लागू करने वाले विश्वनाथ सिंह ही थे, माननीय प्रधानमंत्री उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो जो जिस क्षेत्र से राजनीति करते हैं तो अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि जमीन को खो करके कोई नहीं करना चाहेगा। हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी कोई नेता या बहुतायत को बहुसंख्यक को दरकिनार करके कोई अपना कदम उठाएगा, मेरी जो समझ है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी बोला करते थे लेकिन अब वो भी चुप हो गए। अब उनकी बात या किसी की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी सोच है मैंने अपनी सोच को आपके सामने रखा है। कुछ नेताओं ने जरूर इसका विरोध किया था, यानी भोजपुरी मगही को शामिल किए जाने या हटाए जाने का, लेकिन बाद में परिस्थितियां कमोबेश जो है सबों ने चुप्पी धारण कर लिया, लेकिन सामाजिक तौर पर एक अलग परिस्थितियां खड़ी हो गई। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि भाई कोई निर्णय आएगा तो खुशी और ना खुशी सामने आएगी। गीता श्री उराव ने भी इसी मुद्दे को लेकर के पार्टी से इस्तीफा दिया क्योंकि उनकी पार्टी उनके ही झारखंडी विचारधाराओं के अनुरूप काम नहीं कर रही थी, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अब पार्टी में लोकतांत्रिक लोकतंत्र नहीं कायम है। अब नेताओं मैं तो गीता श्री उराव को नज़दीक से उनके अंदर की भावनाओं को जानता हूँ, अन्ना उनके चीज़ों को उत्तर देने के परिस्थिति में हूँ, अन्ना मेरा कांग्रेस में उस कद का हूँ कि उनके बातों का मैं जवाब दे सकूँ। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, वो देश के हित में भी सोचती है, राज्य के हित में भी सोचती है और राज्य में रहने वाले तमाम बहुतायत के बारे में वो विचार करती है और जो सोचेगी बेहतर सोचेगी। चलिए, एक छोटा सा इसी सोच के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद
फिर वापस लौटते हैं तो कुछ संथाल परगना का जिक्र जरूर करेंगे, वहां के हालात पर चर्चा जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी और ट्राइब टीवी के इस खास पेशकश द सोरेन शो में आज हमारे मेहमान हैं प्रदीप यादव, संथाल परगना के पुड़ैयाहाट विधानसभा से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं और डेढ़ दशक से ज़्यादा इन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उन मुद्दों को रखा है जिन मुद्दों से जनता का सरोकार रहा है। प्रदीप जी, संथाल परगना मुझे लगता है कि आज भी अपने असली अस्तित्व को हासिल नहीं कर पाया है, क्या आप भी हमारे इस बात से, इस राय से सहमत हैं? देखिए, आप यदि देखें तो संथालपना जब बिहार था तो बिहार के समय भी आप कह सकते हैं कि अपना प्रमंडल, संथालपना प्रमंडल में विकास के बहुत काम देखने को नहीं मिले थे। जब राज्य बना तो फिर विकास की गति धीरे धीरे संथालपना तक भी पहुंची और राजधानी उपराजधानी के रूप में भी संथालपना घोषित हुआ। फिर गांवों में सड़कें नहीं थी, सड़कें बनी, जो आम लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, धीरे धीरे उस दिशा में सरकारें बढ़ी और पहले से आज बेहतर स्थिति में है। बहुत, अगर दूसरे क्षेत्र से अगर हम उसको तुलना कर लें तो बहुत कम। देखिए, पहले से कुछ क्षेत्र अधिक विकसित थे, इसीलिए राज्य बनने के बाद वो समानुपात ढंग से थोड़ा अधिक विकसित हुआ होगा, लेकिन कमोबेश यही स्थिति है पूरे राज्य की। उस संथालपना में संथाल ट्रैवल अधिक होने के नाते वहाँ गरीब गुरुवा अधिक है और अधिक शिक्षा का भी अभाव रहा, स्कूलों का अभाव रहा, हायर एजुकेशन का अभाव रहा, यहाँ तक कि एक मेडिकल कॉलेज नहीं रहा आज़ादी के 60-70 वर्षों तक, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहा, मात्र एक पॉलिटेक्निक था, दुमका पॉलिटेक्निक, क्योंकि जन्म भी वही है, कर्म भूमि भी वही है, अपनी पढ़ाई लिखाई भी उसी संथालपना में हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों का अभाव था। मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर बना था पहली बार 2005 में, तो शिक्षक की नौकरी पाने के लिए मात्र वहाँ एक ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करता था बीएड का, वो देवघर कॉलेज। मैं बना तो प्रत्येक ज़िले में, विशेष राज्य के सभी ज़िलों में हमने खुलवाया, तो वहाँ भी जो हमारे 6 जिला थे, 6 को हमने बीएड कॉलेज दिया। तो ये स्थिति थी। हम लोगों के समय ही बीआईटी मिश्रा का एक्सटेंशन पार्ट देवघर में खुला, अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज दुमका में भी खुला है, बीएयू का भी पार्ट खुला है, तो ये चीज़ें अभाव था। और लोगों को अगर विकास के लिए स्वयं प्रेरित करता है तो वो एजुकेशन है, क्योंकि भाई अगर दुनिया को अभी जीतना है तो आप तलवार के बल पर नहीं जीत सकते, दुनिया पर अगर अधिकार जमाना है तो तलवार के बल पर नहीं हो सकता, उसके लिए तो आज एजुकेशन चाहिए। तो वह एजुकेशन का घोर अभाव था, तकनीकी शिक्षा का घोर अभाव था, तो जिस कारण से वह पिछड़ा हुआ था, धीरे धीरे वो चीज़ें अब हो रही है। जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना तो मुझे याद है कि एकेडमिक काउंसिल के एक छोटे से काम के लिए लोगों को रांची आना पड़ता था, तो उसके एक छोटे से ऑफिस वहाँ दिया, तो अभी यूनिवर्सिटी भी वहाँ है। तो तमाम चीज़ें धीरे धीरे, और यह सरकार, हमने दो बार मुख्यमंत्री जी के बयान को पढ़ा है कि भाई कुछ निदेशालय भी वहाँ शिफ्ट हो, जैसे एजुकेशन निदेशालय, वेलफेयर निदेशालय, जिसकी आवश्यकता है। और अभी इस बार तो सरकार तक की थी, शुरुआत भी हुई, और हमने इस विधानसभा में
पहले भी रखा था, इस बार भी रख रहा हूँ। और वो जो मेरा गैर सरकारी संकल्प एक प्रश्न होता है सरकार के सामने कि हाई कोर्ट का बेंच और कुछ निदेशालय वहाँ खुले, अगर ये सारी चीज़ें होती है धीरे धीरे एजुकेशन बेहतर हो जाता है, जो मूलभूत आवश्यकता है वो बेहतर हो जाता है, थोड़े रोजगार के अवसर, भाई रोजगार के लिए भी बहुत कुछ हुआ है नहीं, एक ECL है, फिर थोड़े कुछ पत्थर के खादान है, कोई औद्योगिक क्षेत्र रहा नहीं, जिस कारण भी केवल खेती ही वहाँ सबसे बड़ा आधार रहा है। ना उन क्षेत्रों के नेता बदले, ना उन क्षेत्रों के हालात बदले, ना उन क्षेत्रों की तस्वीर बदली। क्या लगता है कि राजनीति ने कितना अपना रोल सही तरीके से प्ले किया? नहीं, नेता तो बदले, नेता बीच बीच में, भाई जनता ने जब चाहा अपने नेता को बदला भी, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है कि नेता वही है। आप सोचिएगा कि एक दिन में किसी का स्वरूप बदल नहीं सकता, जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें काफ़ी परिवर्तन भी हुआ है। आप अगर एक सिरे से खारिज कर दें तो ये केवल झूठी बात हो जाएगी। पहले तो पीने के पानी नहीं थे गाँव में, आज लगभग पीने के पानी है, कुछ गांव ऐसे भी हैं आज भी, लेकिन सरकार के संज्ञान में जहां आ जाती है बातें तो प्रायोरिटी पर होता है। गांव में सड़कें नहीं थी, जिलों में से 2-4 गांव तक सड़क थी, आज तो 80% गांव तक सड़क है। तो ये मूलभूत आवश्यकता जो है, ये चीज़ें तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जो रोजगार, जो कृषि ही वहाँ रोजगार का सबसे बड़ा अवसर है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। हमें लगता है कि उस कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, और हमें लगता है कि पहली बार कोई बड़े स्तर पर, अभी सरकार ने दुमका में एक बड़ी योजना 1,000 करोड़ की ली है कि भाई जो मसान जोर के पानी को लिफ्ट करके हम गांव-गांव खेतों तक पहुंचाएंगे, अभी गंगा से भी पानी लिफ्ट करके घर घर तक पहुँचाने की, पीने की पानी की व्यवस्था इस सरकार ने की है। तो इसी प्रकार से कुछ योजनाओं को लेकर के अगर खेतों तक पानी, और फिर जो उपज हो किसानों को उसका सही दाम मिल जाए, और कृषि उपज आधारित कुछ छोटे छोटे उद्योग बैठ जाए जिससे रोजगार, जैसे अभी राइल्स मिल की भी कोई सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, पशुधन लोगों को दे करके थोड़ा मत्स्य उद्योग, दूध के डेयरी को मजबूत करने का प्रयास किया है। तो हमें लगता है कि और थोड़े प्रयास करने से लोग आर्थिक रूप से मजबूत होगा, शैक्षिक रूप से मजबूत होगा, तो जिस विकास को हम चाहते हैं लोग स्वयं उस विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। एक विकास की अपनी रास्ता हो या एक अपनी धर्रे हैं, एक विनाश के रास्ते भी होते हैं विस्थापित और विस्थापितों के जरिए। संथाल परगना में एक बड़ी समस्या यह भी है, आप कई बार इस आंदोलन का हिस्सा भी बने हैं, अडानी की भी हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि उस वक्त आपने बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन किया था अडानी पावर प्लांट के वहाँ स्थापना को लेकर के, जेल भी गए, काफ़ी मुसीबतें उठाई आपने। क्या लगता है कि उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में विस्थापन को लेकर के, विस्थापितों के लिए की सुधि के लिए अब तक कोई काम नहीं हुआ? आप लगातार विस्थापन आयोग के गठन की मांग करते रहे हैं। देखिए, यह जो मुद्दा है ये केवल संथालपना का नहीं है, पूरी झारखंड का मुद्दा है और एक अहम मुद्दा है इस प्रदेश के लिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में था कि यह जो विस्थापन है, इस विस्थापन समस्या का हम समाधान प्रायोरिटी से करेंगे और एक विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। इसीलिए यह बात बार बार उठती है। और केवल अडानी का केवल विस्थापन का मामला नहीं था, जो विस्थापन का मामला था कि 12 गांव विस्थापित होंगे, वो खेतों से उजड़ जाएंगे, भगवान और जनता के सहयोग से हमने उस लड़ाई को तो जीत लिया। जो 12 गाँव तक अडानी जमीन लेने वाली थी, 4 गाँव में हमने सिमट के रख दिया। ये मेरी मजबूती नहीं थी, जनता का, हमें लगता है कि मेरे 30 से 35 वर्ष सक्रिय राजनीति का है,
इतना जोरदार आंदोलन हमें देखने को भी दूसरे का भी कम मिला जितना जन समर्थन मुझे मिला था कि मेरे जेल जाने के बाद भी 20,000 से 25,000 लोग सड़कों पर उतर के उस आंदोलन को जिंदा रखा, जिसका परिणाम हुआ कि 8 गांव को छोड़ना पड़ा अडानी जैसे, जिस पर कि प्रधानमंत्री का बरदस्त हो, देश की सरकार राज्य की सरकार का बरदस्त हो, उसको अधियाचना वापस लेना पड़ा। और जिस कम रेट पर वो जमीन लेना चाहते थे, मात्र 13 लाख के एकड़ पर, जिस जमीन का दाम घटा करके 10 गुना उसने कम कर दिया था, सरकार को मजबूरन उस आंदोलन के कारण जमीन का दाम 50 लाख पर एकड़ देना पड़ा। तो यह तो मेरी जीत नहीं थी, इस आंदोलन की जीत थी। तो उसका उस समस्या का कुछ हद तक तो समाधान हुआ है, लेकिन अब उसके जो परिणाम है कि जो वहाँ उद्योग बीठने लगभग चालू होने पर है, जो वह अडानी पावर प्रोजेक्ट, उसमें से हमें लगता है कि अडानी पावर प्रोजेक्ट में जो लोग अब नौकरी पेशा में आएंगे वह स्थानीयता को मिले। जो झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया है अभी कि 75% निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय लोगों को लेना होगा, उसकी कठोरता से पालन हुआ तो हमें लगता है कि एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। और विस्थापन आयोग का भी गठन हो जाए तो जो लोग अब तक विस्थापित होने के बाद न्याय नहीं जिन्हें मिल पाया है, उन्हें भी न्याय मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बहुमूल्य समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए ट्राइब टीवी से। आपने जिन चीज़ों की लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे आयोग की हो या स्थानीय नीति की बात हो या नीतियों में आरक्षण की बात हो, ये सारी मांग जो लड़ाई के तौर पर आप विपक्ष के तौर पर लड़ते हुए मांगते रहे हैं, अब वक्त है कि आप सत्ता पक्ष में रहते हुए इन सबों को एक मूर्त रूप दे सके। आज के इस सोरेन शो में बस इतना ही, अगली बार किसी खास मेहमान के साथ आपके साथ फिर सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।